नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। पल पल की अपडेट आप तक लगातार न्यूज वर्ल्ड इंडिया ये लगातार पहुंचा रहा है। ऐसे में जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, किसान अब लाल किले पर पहुंच चुके हैं और अपना झंडा भी वहां पर फहरा दिया है। लाल किले पर पहुंचने के लिए ही सुबह से इतना बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा था, जहां पर हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे, जिन्होंने रोकने का पूरा प्रयास किया लेकिन विफल साबित हुए, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन यहां पर किसान कर रहे थे, ऐसे में उपद्रव इसको बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि प्रदर्शन इस तरीके का हो गया कि वहां पर कोई भी अगर ट्रैक्टर के सामने आ रहा है तो उस पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जा रहा है। लेकिन पुलिसकर्मियों ने पूरी कोशिश की, आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन जिसके चलते आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और आप तस्वीरों में देखिए कि लाल किले पर ये सभी किसान पहुंच गए हैं। किसान जत्था धीमे धीमे लाल किले पर पहुंच रहा है और अपना झंडा वहां पर फहराया जा रहा है। नगरपालिका फर्रुखाबाद की ओर से समस्त नगर वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है और अपील करता है कि नगर को साफ स्वच्छ बनाए रखें, कूड़ा समय से बाहर फेंकें, नालियों में गंदगी ना करें, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, कोविड-19 का पालन करें, नगर को साफ स्वच्छ बनाए रखने में हमारा सहयोग प्रदान करें।